अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद सोहेल ख़ान। मैं जो है 12 साल की एज से इस टेलरिंग की लाइन में काम कर रहा हूँ। इतने साल के एक्सपीरियंस में मैंने कई सारे डिज़ाइंस, कई सारे जो है आदत जो है सी दिए कस्टमर्स के। तो इतने साल का एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ इस चैनल पे जो है शेयर करने वाला हूँ। बहुत से लोग कटिंग की वीडियोज़ डालो बोले, अभी मेरे पास उसका सेटअप नहीं है कटिंग का। जब सेटअप हो जाएगा, जब से जो है कटिंग की वीडियोस भी आप लोगों को मिलना शुरू हो जाएगी। आज हम कुर्ते को पाइपिंग डालना सीखेंगे। कुर्ता और बैंड पे जो है पाइपिंग हम डालेंगे, ठीक है। बस मेरी आप लोगों से दरख्वास्त इतनी सी है, चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना। रेडी होने के बाद में कुछ इस तरीके से इन्हें बैठेंगी, देख सकते हैं आप लगा इतनी फिनिशिंग में जो है बनी। बैंड भी ऐसे ही राउंडिंग में चढ़ेगी, ठीक है। ये है तावीज प्लेकेट। यहाँ पे देखिए पट्टी में चिपका लिया, एक पट्टी जो है फोल्ड कर लिया, एक कपड़े पे स्टिफ चिपकाया, एक कपड़ा जो है खाली ऐसे ही मोड़ लिया, ठीक है। अब हम पाइपिंग लगाएंगे। एक पैर जितनी मार्जिन रखना है पाइपिंग में और उसके अलावा आधे पैर जितनी जो है पट्टी पे हमें सिलाई मारना है, ठीक है। अब इसको जो है अच्छे तरीके से नाखून मारकर साफ कर लेना है हमें। अब जो है जो कपड़ा हम फोल्ड करें उसकी फोल्डिंग और ये पट्टी की फोल्डिंग दोनों को मिलाकर जो है हमें सिलाई मारना है। स्टिफ के एक सूत जितना दूर हमें सिलाई मारना है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैं मार रहा हूं। पूरी सिलाई हमें मार देना है और मार्जिंग्स जो है हमें काट देना है इस तरीके से, ठीक है। अब जो है इसको फोल्ड करके हमें पाइपिंग के बाजू से सिलाई मारना है, जैसे कि अनविजिबल हो जाए सिलाई वैसी सिलाई हमें मारना है। देख सकते हैं आप लगा पट्टी की फोल्डिंग और कपड़े की फोल्डिंग नीचे के दोनों की बराबर आ गई, ठीक है। अब इसको जो है थोड़ा सा हमें छाटना है नीचे से अटैच होने के लिए। इस तरीके से जो है हमें लगाना है पट्टी, ठीक है। मार्जिंग्स देख लेना है, देखकर जो है लगाना है पट्टी। बहुत इजी स्टेप्स है, ध्यान से आप लगा देखिए वीडियो। पट्टी को जो है एक कोना लेकर जो है दूसरे कोने पर लगाना है, फिर दूसरा कोना लेके इस कोने पर लगाना है, वी शेप बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से मैं मार लेता हूं सिलाई और तकरीबन एक 1.5-2 इंच की आपको तावीज बनाना है। अब जो है इसको हम बराबर छाड़ देंगे, ठीक है। अब जो है बैक लेकर हम इसमें अटैच करेंगे। बैक सीधा रखना है, फ्रंट्स उल्टे रखना है और पलटा देना है इसको। रखकर लोडिंग जैसा हम मारते हैं वैसे ही जो है इसको भी मारना है। ठीक है,
अब जो है किनारी मारेंगे, जैसा मैं मार रहा हूँ वैसा ही मारिए आप भी। अब ये बैंड जो है मैं प्रेस कर लिया, इसको जो है हम ऊपर से पूरा मार्जिन छाड़ देंगे, जैसा कि हमने पट्टी में छाटा था वैसे ही जो है इसको भी छाड़ देंगे। ठीक है, अब नीचे का कपड़ा हम फोल्ड कर देंगे, एक पैड जितनी सिलाई मारेंगे। ठीक है, अब जो है इसको भी हम मार देंगे, काट देंगे। अब वैसे ही जो है जितना मार्जिन हम उसमें रख के पाइपिंग मारे थे उतना ही मार्जिन रखना है और सिलाई मारना है। ठीक है, अब इसको भी नाखून मार लेना है और साफ कर लेना है। अब यहां से इसको जो है वैसे ही स्टिफ के थोड़ी सी दूर जो है हमें सिलाई मारना है। अब मार्जिन छाट लेंगे, तकरीबन एक पैर डेढ़ पैर उतनी मार्जिन हम छाट लेंगे और इसको फोल्ड कर कर हम पलटाएंगे। ठीक है, नोक ऑटोमेटिकली निकल जाती है फोल्ड करके पलटाए तो, नए करके पलटाए तो जो है हमें कैंची से जो है निकालना पड़ेगा। अब जो है पाइपिंग के वैसे ही बाजू हमें सिलाई मारना है। अब इसको जो है एक पैर जितने हमें मार्जिन छाटना है। ठीक है, अब इसको हम सेंटर कच का मार लेंगे। अब बैंड का गाला मापेंगे, हाला कह लो गाला कह लो, जितना आ रहा उस हिसाब से जो है छाटेंगे, नहीं तो नहीं छाटेंगे। बराबर आ गया तो हम डायरेक्टली जो है लगा देंगे। एक पैर जितनी हम मार्जिन रखे थे डेढ़ पैर उतनी हम जो है मार्जिन लेंगे, क्योंकि नीचे का कपड़ा हमें थोड़ा सा टाइट खींच कर चलाना होता है इसके लिए। अब इसमें देखिए फ्रंट का जो कपड़ा है, फ्रंट और बैक का, उसको मैं टाइट करते हुए चढ़ा रहा हूँ ताकि झोल ना आए बैंड में। ठीक है, अब जो है इसको सही तरीके से हम नोक निकालेंगे इसकी और रखकर जो है सिलाई मारेंगे। जहाँ पे फ्रंट की सिलाई है आड़ी सिलाई, वहाँ तक हम सिलाई मारेंगे। फिर जो है इसको भी वैसे ही मारेंगे। देख सकते हैं आप लगा, पूरी बैंड जो है हमारी रेडी हो गई बिना झोल के, बिना कुछ किए के। ठीक है, एकदम फिनिशिंग से जो है चढ़ी हमारी बैंड। अब मैं आप लोगों को बिठा कर बताता हूँ कितनी ज़बरदस्त जो है बैंड बैठी। देखे आप लगा पाइपिंग भी कितनी बारीक आई। तो आप लगा भी जो है इस तरीके से बना सकते बैंड। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा आप लोगों को वीडियो पसंद आई होंगी। पसंद नहीं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।